हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अपना जो मैंने लिया था लास्ट रिसेंटली, मैंने वीडियो डाला है बूट का रॉक रेस 245 वर्जन 2। आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम और साउंड क्वालिटी सुपर सुपर क्वालिटी है सर। ऐसा देखा जाएगा तो 800 रुपये के अंदर जो आपने आपको साउंड क्वालिटी मिलता है उससे बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलेगा आपको। और ऊपर से आपको जो ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, ऐसा नॉर्मली देता ही है लेकिन ये कंपनी के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत बेहतरीन मैग्नेटिक दिया है। और ये छोड़िए तो कागज़ है, छोड़ो जो बात ही ख़त्म करिए, वो तो कभी पढ़ता भी नहीं है, छोड़िए। और ऊपर से आपको माइक्रो यूएसबी दिया है, टाइप सी तो दिया नहीं है, चलिए 800 रुपये में टाइप सी जाता नहीं है। आपको मान लीजिए आपको यदि बड़ा बजट का खरीदना है तो टाइप सी का आप आ जाएगा। और ख़ास करके देखिए इसमें पावर बटन भी है, ये वॉल्यूम ऑफ बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट और इसको डाउन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस, पॉज एंड प्ले। और साउंड क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा तो इसकी बराबर देखा जाएगा तो बेहतरीन साउंड और क्वालिटी के साथ मिल जाएगा आपको। यदि आपको ख़रीदना है तो 1000 रुपये का बजट के अंदर कोई अच्छा सा ब्लूटूथ हैंडसेट तो आपको मैं रिकमेंडेशन करूँगा बूट स्पॉट रॉक रेज 245 वर्जन वॉल्यूम 2। तो आपको देखा जाएगा तो देखिए सर इसमें क्या क्या मिल रहा है, एच डी इम्प्रेसिव ऑडियो एंड वाटरप्रूफ के साथ एंड वॉइस असिस्टेंट ट्रिपल टॉप हुए, लेकिन खास करके वॉइस असिस्टेंट ज़्यादा कोई यूज़ करता है, ज़्यादा किसको चाहिए तो यूज़ कर सकता है। और 8 घंटे के चल जाएगा स्टैंड बाय तो 128 आ जाएगा और कंट्रोल के साथ आ जाता है सर। इसमें खास करके 1000 mAh का बैटरी दिया है आपको, कम से कम तो ऐसे बैटरी का कोई निराश नहीं करेगा। और ब्लूटूथ 5 है, लेटेस्ट वाला दिया है और लाइट वेट इतना हल्का है तो ठीक है, इतना हल्का तो ठीक है। और ऊपर से जो 12 mm का ड्राइवर, डायनामिक ड्राइवर दिया है तो इसके जो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी उससे फ़र्क पड़ता है सर। जो देखा जाएगा तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ 1000 अंडर 1000 ब्लूटूथ हैंडसेट आपको 800 रुपये, मेरे को 800 रुपये मिला है, आपको 800 रुपये के अंदर अमेजन का मिल जाएगा और आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और देखा जाएगा तो जो एडजस्टमेंट दिया है ये इसको जो ये निकाल सकते हैं आप, या तो नीचे तो आप निकाल सकते हैं और USB केबल के साथ आप चार्ज कर सकते हैं। और कम से कम आप चार्ज जो करते हैं 1 घंटे से ऊपर मत कीजिए, जिसका ज़्यादा बैटरी बैकअप जो है वो बजाय रखें, बैटरी बैकअप के ऊपर रहता है सब। और यदि ज़्यादा चार्ज करेंगे, ऐसे खास तो होता नहीं कुछ लेकिन फिर भी आप बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा, खास करके इसके अंदर जो छोटे छोटे लिथियम बैटरी रहता है तो आपको बैटरी का इशू दे सकता है। जितना भी चाहे थोड़ा कम चार्ज कीजिए, 1 घंटा चार्ज कीजिए बस हो गया, काफ़ी है, 8 घंटा 7-5 घंटा चलता ही है। और यदि हमें रिकमेंडेशन होगा, यदि लेना चाहेंगे तो आप 1000 रुपये के अंदर तो आप ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ 1000 रुपीज़।